देखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट दिख रहा है ना, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋचा। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक मेहंदी पैक। जो मेहंदी पैक बहुत ही अच्छा मेहंदी पैक है। आप देखिएगा कि आपके इस पैक से कितने अच्छे बाल हो जाएंगे आपके, और जो आपके बाल टूटते हैं, ड्राई रहते हैं, रफ रहते हैं, वो भी फ्रिजी हेयर हैं, वो भी सब सही हो जाएंगे अगर आप ये वाला पैक लगाते हैं तो। और इस पैक को आप ज़रूर लगाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं आप देख लीजिए, आप मेरे बालों में शाइन देखिए, देख लीजिए। ऐसे ही बाल हो जाएंगे आपके। और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब निकलते रहते थे, ऐसे पकड़ो तो ऐसे निकल जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें प्याज का रस डाला है, और आप देख लीजिए इसमें मैंने क्या क्या डाला है। और अगर ये आपको अच्छा लगे पैक तो आप भी इस पैक को ज़रूर लगाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और आगे आगे भी और वीडियो लाऊँगी अच्छे अच्छे। अभी आप इसको देख लीजिए, इसको बनाना कैसे है, फिर आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हूँ, बाय। मेहंदी पैक के लिए मुझे चाहिए एक भगोना लूंगी मैं, उसमें एक चम्मच मैं चाय पत्ती डाल दूंगी, और प्याज डाल दूंगी, एक प्याज है ये। और एक चम्मच कलौंजी डाल दूंगी। ये सब हम डालेंगे जब पैक में, तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप लोग जरूर इस सब चीज़ों को अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। मैं एक चम्मच ही डालूंगी। कुछ अदरक डालूंगी, एक टुकड़ा ही डालूंगी मैं, एक दो टुकड़े ही डालूंगी। ये दो टुकड़े डाल देती हूँ। पांच से छह लौंग डाल दूंगी मैं, और मैंने कुछ कड़ी पत्ता भी धुल के रखा था, कड़ी लीव्स, उसको भी मैं डाल दूंगी ना डाल दूंगी मैं, छोटा छोटा ही है, आपको जिस तरह का मिले आप डाल सकते हैं। इस सब में अब मैं पानी मिला के इसको इतना पानी भर लूंगी, आधा इतना करीब, और फिर इसको 20 से 25 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दूंगी, बॉईल हो जाएगा, उसके बाद में मेहंदी भिगाऊंगी इसमें। बस इतना ही पानी लेना है मुझे, और 20 से 25 मिनट तक अच्छे से उबाल आना चाहिए, यह सब चीज़ें अच्छे से पक जानी चाहिए, तब इसके बाद मैं इसको मेहंदी के साथ घोल दूंगी, और फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए, रात भर के लिए छोड़ दूंगी मेहंदी को। फिर उसके बाद ये सब फिर मैं दूसरे दिन लगाऊंगी। जब ये उबल जाएगा तो मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरह का हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको उबलने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये बस अब गैस पे ही चढ़ाने में ले जाऊंगी, गैस पे चढ़ा के, और फिर मैं बॉईल कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेहंदी पैक के लिए मैंने पानी जो उबाला था वो उबल चुका है, ये सारी चीज़ें मिला के मैंने दिखाई थी, वो ये सब उबल के ठंडा हो चुका है,
ये देखिए, अभी मैं पहले मेहंदी लूंगी। पतंजलि का पैकेट लिया है मैंने, हर्बल मेहंदी, आपको जो लेनी है आप ले सकते हैं। और आंवला चूर्ण ले रही हूँ, आंवले का पाउडर, इतना ही लूंगी, 2-3 स्पून हो गए। और ये पानी ले लूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको आप मिलाते जाइए, ज़्यादा पतली नहीं करनी है हमने, ठीक ही रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर सर से फिर निकलती है, बहती है, इसलिए इसको पतला मत कीजिएगा। अब मैं इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, अच्छे से मिक्स करके, आप भी ऐसे ही करिएगा जब बनाएंगे। और मैं सुबह में इसको लगाऊंगी और फिर 2-3 घंटे बाद धुल दूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगा रही हूँ। अभी ये भीग जाए, 2-3 घंटे के लिए मैं इसको रात भर के लिए छोड़ दूंगी, रात भर रखी रहेगी तो अच्छा कलर आ जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा क्योंकि मैंने लोहे की कढ़ाई में भिगाई है। आप चाहें तो आप भी लोहे की कढ़ाई में भिगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप किसी भी बर्तन में भिगा सकते हैं जो बड़ा हो, उसमें अच्छे से मिलाते हुए बन जाता है और अच्छा भी रहता है उसमें मिला के रखने में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। तो देखिए गाइज, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, इस तरह से आपके पास हो तो आप भी पहन लीजिए, अगर आप ऐसे ही लगाते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर ऐसे मेहंदी को ले लीजिए, इस तरह से मेहंदी को ले लूँगी और फिर यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दूँगी मैं, अच्छे से एक एक बाल में लग जाती है इस तरह से, और हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं इसलिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अगर आप जैसे आपको अच्छा लगे, सुविधा जैसे हो आपको, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से लगा सकते हैं। फिर ऐसे बाल लेकर एक एक बाल में मैं लगा लेती हूँ। अच्छे से लगाती हूँ, देखिए ऐसे। पुराने कपड़े कोई भी पहन लीजिएगा तब आप लगाइए, क्योंकि मेहंदी थोड़ा बहुत तो गिरती ही गिरती है, कितनी भी कोशिश कर लें। इस तरह से पूरे बालों में इस तरह से लगा लेनी है आपको, इस तरह से इसको ऐसे गोल करके। आप अगर ब्रश से लगाते हैं तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, पर मैं ब्रश से, मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर यहाँ से बाल उठाइए आप, ऐसे ही आपको पूरे सर में ऐसे लगा लेनी है अच्छे तरीके से। अंदर ही भरते जाइए इस तरह से मेहंदी को, फिर इस पे लपेट देती हूँ मैं ऐसे, इस तरह से। अब इस तरफ का मैं ले लूंगी एक सेक्शन, मैं यहाँ से लेकर यहाँ से लगाऊंगी इधर से, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको लगा लेनी है पूरे बालों में, ऐसे ही सेक्शन, इधर से कुछ लेके, कभी इधर से लेकर, और आप जैसे लगाते हैं उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा लीजिए पूरे सर में, और आप जितनी देर तक रखना चाहें उतनी देर रख सकते हैं। वैसे मैं 3 से 4 घंटे में रखूँगी ज़रूर, और तभी मैं उसको धुलूँगी बालों को, और फिर उसके बाद मैं तेल डालकर पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी, और फिर सुबह में वॉश कर लूँगी, शैम्पू वॉश कर लूँगी,
तब देखिएगा बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप 3-4 घंटे बाद धुल दीजिए, और फिर आप पानी से धुल लीजिए और सुबह तेल डाल लीजिए रात को जब सूख जाएंगे बाल। उसके बाद जब सूख जाए तेल डालिए, तेल डालने के बाद आप ऐसे ही छोड़ दीजिए पूरी रात में, और फिर सुबह में आप इसको शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, और फिर देखिएगा आपका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, कल मिलूँगी, ये सब पूरा धुल जाएगा, मैं आपसे 2-3 घंटे बाद मिलती हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि किस तरह से मैंने ये बनाया है और किस तरह से ये लगाया है, तो आप ये इस पैक को ज़रूर लगाइएगा। इसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये सब आपको मिल जाएंगी मार्केट में, इजीली मिल जाएंगी मार्केट में ही मिल जाएंगी, और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जैसे आपको सूट करे वैसे आप मंगा लीजिए, आप जैसे मंगाना चाहें उस तरह से आप मंगा सकते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ ये सारी चीज़ें आपको डालनी ही है। और अगर और ज़्यादा अच्छा कुछ चाहते हैं तो उसमें आप एलोवेरा का जो एलोवेरा लीफ होती है वो आप उसको कट करके उसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। आप अगर और ज़्यादा अच्छे चाहते हैं तो मैं और भी आगे अच्छे वीडियोस लाऊंगी हेयर हेयर के अकॉर्डिंग, और जो कि फेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक लाऊंगी। और आप ज़रूर देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा चैनल, और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ, और क्या क्या आपको सूट करेगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह के फेस पैक और किस तरह के हेयर पैक वगैरह चाहिए आपको, और कौन सा स्पा आप करवाना चाहते हैं, मैं स्पा भी करके बताऊँगी आपको बालों में बालों पे। और चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, और चलिए लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे इससे अच्छा लगता है शेयर करने से, और जब मुझे लाइक देते हैं आप तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सॉरी, और जो बेल आती है नोटिफिकेशन बेल वो भी आपके लिए ज़रूर कीजिएगा कि मेरा आगे जो मैं और वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स बाय।